विस्मय योगा भूमिका, इन शब्दों का वास्तविक अर्थ इस जगह पे मुझे समझ में आ रहा है। ईश्वर की कृपा हर प्रकार से, हर तरीके से सब तरफ बह रही है, ऊपर से नीचे। गंगा जी की कलकल में, इस ध्वनि में, उनके प्रवाह में परमात्मा कोई घटना नहीं है जो घट जाए एक बार और समझ में आ गया। परमात्मा तो प्रवाह है, गंगा जी की तरह, जो प्रतिपल घट रहा है, प्रतिपल। इस समय उनकी कृपा बह रही है ऊपर से नीचे, इन पहाड़ों में, इन नदियों में। और ये कृपा, अगर आप रेडी हो, अगर आप तैयार हो, तो आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। आप सबको डिस्कवर एकम, रोहित और ट्रांसगनाइजेशन की तरफ से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी शिवरात्रि। मैंने प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपके साथ लाइव सेशन करूंगा, लेकिन कनेक्टिविटी इशू के कारण मैं लाइव सेशन नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मेरा यहां से आप सबके लिए मैसेज है कि हम सबको उन एकम के सेशंस की तरह रेडी होना है। हम सब वो बीज हैं जिनके अंदर वो वृक्ष बाहर निकलने के लिए उत्सुक है। हम सब वो बीज हैं जिसके अंदर वो वृक्ष बाहर निकलने के बाद पुष्प की तरह खिलने को उत्सुक है। हमें सिर्फ उस बीज की तरह तैयार होना है जिस जो बुद्ध के अंदर बैठे, जो महावीर के अंदर बैठे। हमें सिर्फ उस बीज की तरह तैयार होना है जो कि जीसस क्राइस्ट के अंदर गया, प्रॉफिट मोहम्मद के अंदर गया। क्या हम वो बीज हैं? चैतन्यम आत्मा, इस बात को क्या हम समझ सकते हैं कि सिर्फ मेरा अवेयरनेस ही है और कुछ नहीं है? आज ईश्वर की कृपा से यदि मैं इस गंगा को अनुभव कर पा रहा हूं, तो उस अनुभव का सिर्फ एक कारण है कि मैं चैतन्य हूं। और अगर मैं चैतन्य हूं, तो मेरा चैतन्य के अलावा कुछ और है ही नहीं। सिर्फ चैतन्य ही अपना है, बाकी सब उस चैतन्य की रोशनी में, उस चैतन्य के प्रकाश में जागृत हो रहे हैं। चैतन्य का प्रकाश ना हो तो वो जागृत नहीं होगा। शिव सूत्रों ने जो कि बहुत ही क्रांतिकारी बातें कर दी, चैतन्य मात्मा, विस्मय योगा भूमिका और कई ऐसे सूत्र, इन सब सूत्रों के अंदर हर सूत्र सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि हे मनुष्य, मैं हर जगह हर मोमेंट तेरे ऊपर अपनी कृपा बरसा रहा हूं, हर जगह हर मोमेंट तेरे ऊपर अपनी कृपा बरसा रहा हूं। तू बस तैयार हो जा और तू मुझे देख। अपने विचारों और अहंकारों को साइड पे रख और मुझे देख। मैं तेरे पास हूं, तेरे को मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है, मैं ही पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं तेरे अंदर जागृत होना। आप सबको ऋषिकेश से बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि की। ईश्वर करे हम सब अंदर से अपने अहंकारों को, अपने विचारों को विलीन कर पाए और धीरे 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 उस यात्रा की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, परमात्मा कोई घटना नहीं है जो एक दिन घट जाए, वो तो एक प्रवाह है जो प्रतिपल घट रहा है। अपने आप को परमात्मा के और करीब देखिए हर दिन, और जितना उसके करीब देखेंगे उतना आपके अंदर के भाव सघन हो जाएंगे, और उस पुष्प की तरह आपके अंदर से वो खुशबू निकलेगी जो खुशबू बुद्ध में निकली, श्री कृष्ण में निकली, महावीर में निकली। बस आज मैं इतना ही बात करूंगा और कबीर के इस दोहे से आज की बात समाप्त करता हूँ। जल में कुंभ है, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाया, यही तथ्य कथ्यो ज्ञानी। Thank you very much. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum.